हेलो एवरीवन, मैं सहिता केसवानी मोटिवेशन आप सभी के सामने प्रस्तुत हो गई हूँ। फिर से एक वीडियो को नया अपलोड कर रही हूँ। आज जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो खास करके है। कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे पैसे लगाऊँ, किस में लगाऊँ, किस तरह से लगाऊँ, तो मैं बार बार कह रही हूँ अपना ऐसे पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट ना करें, बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर आप रोना रोते हमारा पैसा चला गया, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हर यूट्यूबर आपको एक बार समझा देता है कि भाई आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात है पैसे कमाना। और कोई भी फील्ड हो, आपको पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से आप पैसे कमा रहे हो। अगर आपने शॉप भी खोला यानी दुकान खोली है, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है, तब जाके कहीं कोई दुकान छोटी मोटी हो पाती है। अगर बहुत बड़ा मिनी स्टोर टाइप का खोलते हैं तो कम से कम उसमें 35 से 50 लाख रुपए करीब लगते हैं, तब जाके आप अच्छे से उसमें कर सकते हैं ग्रोथ। लेकिन आप लोग सोचते हैं मैं 100 रुपये लगा के 1000 रुपये कमा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है। और आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे कमाऊँ, क्या करूँ, आप बताएं मुझे, मुझे सजेस्ट करें। तो मैं बार बार आपको यही बात कहूँगी कि अपने पैसे जो थोड़े बहुत हैं आप संजो करके रखें। लेकिन फिर भी आपको कमाना है और फिर भी आपको अपने पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो मैं आज आपको एक अच्छी जगह बता रही हूँ इन्वेस्ट करने। लेकिन फिर भी मेरे ऊपर विश्वास करके मत करिएगा। आप पहले पूरे मार्केट को अच्छी तरह से पढ़ें, उसके बाद उसके बारे में जानें, और उसके बारे में समझने के बाद में ही आप मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी कंपनी आती है, पाँचों उंगली बराबर नहीं है। पाँचों तरीके से बिजनेस बताई जाती है, लेकिन कोई भी तरीके से जिसमें सफलता मिलती है या आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। जी हाँ दोस्तों, आपकी किस्मत पर ये डिपेंड है। क्योंकि ज़िंदगी में आपने पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन मेहनत से नहीं कमाना चाहते, वो सोचते हैं फटाफट हो जाए। तो हम लोग बार बार इस चीज़ों को सजेस्ट करते हैं जितने भी यूट्यूबर हैं कि भाई अपने पैसे को कायदे से खर्चा करें, कायदे से कहीं इन्वेस्ट करें, बहुत सोच समझ करके करें। और एक चीज़ और बता दूँ, मास्टर हर बच्चे को पढ़ाता है लेकिन पढ़ने का तरीका बहुत अलग अलग होता है हर बच्चे का। कोई पुलिस में जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई आर्मी होता है, और कोई झाड़ू लगाता है, और कोई कुछ भी नहीं करता है, माँ बाप के पैसे में ही ऐश करना सोचता है। तो ये भी एक सही तरीका है, क्योंकि जो जैसा रहना चाहता है वो अपने हिसाब से रहना चाहता है, पर मास्टर उसको हर इंसान को पढ़ाता है, कहता है कि भाई तुम कुछ ना कुछ करो। तो ये भी एक वर्क है कि घर में रह के कुछ ना करके भी कमाया जा सकता है। क्योंकि आपने अगर जो पैसे रखे हैं बाप दादा के, आपने उसे खर्चा कर दिए तो उड़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग उसी में संजो करके अपनी ज़िंदगी की याचिका चलाते हैं, यानी अपने जीवन को यापन करते हैं। तो ये भी अपने अपने सोचने का तरीका है, नज़रिया है देखने का। तो जो जैसे कमा रहा है, जैसे खा रहा है, जिस तरह जी रहा है, उसको जीने दीजिए। लेकिन कुछ लोगों को आदत है ना कि मुझे मेरा पैसा है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके इसको डबल करना है, तो कोई बात नहीं, आपका पैसा आप इन्वेस्ट करिए। किसी ने नहीं रोका है, कोई आपको मना नहीं किया है। तो ये आपको बिटकॉइन दिख रहा होगा, है ना, ये बिटकॉइन आपको इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन अभी तक तो उम्मीद नहीं है कि भाग जाएगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता इस संसार में, कौन कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इस चीज़ों को आप बहुत ध्यानपूर्वक रखिएगा अपने दिमाग में कि कोई भी कंपनी आएगी और कब निकल जाएगी आप सोच नहीं सकते। तो ये आपको सोच करके बिटकॉइन में लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो इसलिए आप अपने हिसाब से, बिटकॉइन इस टाइम मार्केट में चल रही है, तो अगर आपको लगाना हो तो बिटकॉइन में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर दीजिएगा। इन्वेस्ट करने के बाद उसका इंतजार करिए। जैसे आपने बिटकॉइन 30 पे लगाया तो 50 जाने का उसका 100% इंतजार करिएगा। अगर आपको पैसे अच्छे खासे मिल रहा है तो आप निकाल लीजिए। अगर आपको 33 में ही निकल रहा है तो 33 में ही निकाल लीजिएगा, 30 लगा करके। और ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितने में मार्केट किस तरह से खेलना है, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी नॉलेज लेनी है, पूरी जानकारी लेनी है, और हर दस्तावेज को कायदे से पढ़ा करें। बिना पढ़ाई के लिखाई के कुछ नहीं, आपकी जीरो हो जाती है ज़िंदगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे हम बिना पढ़े लिखे भी बहुत कुछ कर जाते हैं, तो सही बात है, क्योंकि उन्होंने ठोकरें बहुत खाई है, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, उसके बाद वो आगे बढ़े हैं, आगे ग्रोथ किए। तो ऐसा नहीं होता कि बिना पढ़े लिखे इंसान भी आगे नहीं होता, होता है, लेकिन अपने तरीके अपने दिमाग से होता है। तो इसलिए अपने दिमाग को अच्छे से ज़िंदगी को करें, क्योंकि हर ज़िंदगी में हर तरीके के लोग मिलते हैं, हर तरीके का पैसा कमाने का मशीन आ जाती है। लोग सोचते हैं मैं ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा तो मेरी मशीन बिकेगी तो मैं पैसे कमाऊंगा। सही बात है, हर इंसान अपना प्रोडक्ट लेके आता है मार्केट के अंदर और दिखाता है और निकल जाता है। तो इसी तरह ये आजकल कंपनियां आती हैं नई नई, अपने दिखाते हैं जलवे और निकल जाते हैं। पर ये आपका है कि मशीन कौन सी
अच्छी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, कौन सी कंपनी रुकेगी, तो इस हिसाब से आपको समझदारी दिखाना। आप सोचेंगे सरिता केसवानी ने बता दिया तो मैं डाल देता हूँ, लेकिन मुझसे बार बार लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं मैम कहीं बताइए जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ। तो मेरे दिमाग से इस टाइम बिटकॉइन चल रही है। बिटकॉइन अभी तक भागने का तो मुझे सुनाई दिया नहीं है, लेकिन अगर भाग गई तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके स्वयं की जिम्मेदारी है, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं, मैं बार बार कहती हूँ। और डिस्क्लेमर ध्यान से पढ़ा करें, बिना डिस्क्लेमर पढ़े मत जाया करें, कहीं का भी हो कैसा भी हो मैं डिस्क्लेमर एक बार जरूर डाल देती हूँ, तो आप देख लिया करें, डिस्क्लेमर को कायदे से पढ़ा करें। तो कायदे से पढ़ने के बाद में आप कोई भी कंपनी में बताती तो उसके ऊपर पूरा रिसर्च कर लिया करिए, पूरे ध्यान पूर्वक। आर्मी में हर इंसान का होता है कि मुझे जाना है, लेकिन हर आदमी दौड़ नहीं निकाल पाता है, उसकी आधे में ही हालत खराब हो जाती है। और जो बच्चे निकाल लेते हैं वो फख्र से कहते हैं हाँ मैं भारत के लिए अपने जान कुर्बान कर सकता हूँ। तो इसी तरह जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनको लगता है कि हाँ मैं डबल कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंट है, तो उनके लिए ये सब मार्केट में कंपनियाँ बहुत सारी हैं जिसमें आप पैसे लगाएं और डबल ट्रिपल करके जाएं। कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट दिया जाता है कि भाई आपको अगर डालना ही है, करना ही है, तो आप कर सकते हैं, बाकी आपकी जिम्मेदारी स्वयं की होती है। अब मैं फिर भी डिस्क्लेमर लगा दे रही हूँ, तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही आप कोई काम को आगे करिएगा। तो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आप किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, पैसा कौड़ी देते हैं, ना ही मैं आपसे कोई पैसे लेती हूँ, ना ही कोई पैसे आपको देती हूँ, क्योंकि मेरा ना मैं ही आपको जानती भी नहीं हूँ। आपने मुझे वीडियो में लिखा था इसलिए मैंने आपको इस तरह सजेस्ट किया, बाकी मुझे इस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं नहीं मैडम मुझे बताइए, मुझे समझाइए कैसे क्या करना, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए मेरे वीडियो को, पूरा देख करके जाइएगा, पूरा समझ करके जाइएगा, और हाँ डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। तो डिस्क्लेमर मैं लगा देती हूँ, आप पूरे ध्यानपूर्वक पढ़िए और आराम से आप अपने पैसे को ग्रोथ करिए, लेकिन आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मेरे ऊपर मत करिएगा कि पैसा मैंने सरिता केसवानी जी के कहने से लगाया, सरिता केसवानी का कोई लेना देना नहीं है आपके पैसे से। आप कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी। कंपनियाँ बहुत सारी आती है मार्केट में, बहुत सारे तरीके की टॉफी मिलती है, लेकिन कुछ ही टॉफी होती है जो कि दिल को भा जाती है। तो कौन सी कंपनी दिल को भाएगी वो आपकी जिम्मेदारी है, और कौन सा पैसा आपको डबल करेगा ये आपके स्वयं की जिम्मेदारी है। सरिता केसवानी का कोई लेना देना नहीं है। टाटा बाय बाय, अपना अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिए। और हाँ मेरी तबीयत आज ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो गई है, होली तो चली गई है, होली गई है, अब आएगी फिर से होली, तो इसलिए आप सभी अच्छे से जो लोगों ने होली खेली है थैंक यू। और मेरी हो गई थी तबीयत खराब, इसलिए वैसे भी मैं रंग नहीं खेलती, लेकिन थोड़ा बहुत तो इधर उधर करती, मैंने वो भी नहीं किया, बाकी तो सभी जानते हैं क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड कर दिए थे। और हाँ मैं गलती से अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गई थी, तो इस चक्कर मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किए हैं एक दो दिन से, तो इसलिए मेरा वीडियो जो पुराना था मैंने उसको ही जो मेरा सिक्योरिटी में था मैंने उसको ओपन कर दिया, उसके बाद में मैं आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो हाँ अपना ख्याल रखिएगा और बिना समझे बुझे कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा। पैसा बहुत अनमोल है, जैसे ज़िंदगी अनमोल होती है ना, एक बार चली जाती सांस तो वापस नहीं आती है, तो इसी तरह पैसा एक बार अगर निकल गया ना आपके हाथ से फिर वापस नहीं आएगा। बाकी तो आपके स्वयं की जिम्मेदारी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है फुल छूट है। लेकिन हाँ कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे इसलिए मैंने बिटकॉइन का नाम लिया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा। हाँ सब्सक्राइब किए और लाइक कमेंट तो कर ही दीजिएगा।